Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 10th standard English subjects. So let's open the chapter number 1. Okay, dear students, reading A. Okay, in reading A, section A, we had started our study with the patriotism, जहाँ पर हमने बात किया था. यहाँ पर तीन major characters हमको देखने को मिले थे, नानाजी, अजीत एंड नैना. अजीत एंड नैना बोथ आर द सिस्टर एंड ब्रदर. एंड नानाजी, अजीत एंड नैना बोथ आर द ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन ऑफ नानाजी. अंडरस्टैंड, अजीत और नैना नानाजी से पैट्रियटिज्म से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं कि पैट्रियटिज्म क्या है. वेल, तो नानाजी बोल तो वहाँ पर एट सर्टेन नैना आंसर करती है, इट मीन्स गोइंग टू जेल और द डाइंग फॉर द कंट्री. तो नाना जी बताते हैं कि गोइंग टू जेल एंड डाइंग फॉर द कंट्री इज जस्ट नॉट ओनली द पैट्रियटिज्म. ओके, लविंग द कल्चर्स, लविंग द कंट्री मैन. ओके, एंड रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पैट्रियटिज्म. ओके, वेल एंड इन द एट द सेम रिस्पेक्ट द नाना जी ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट दैट द हिज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशनल एंथम. वो बताते हैं कि जिस समय 26 जनवरी में जब जनगण मन जिस तरह समय बजा था, तो नाना जी अपने प्लेस पर खड़े हो गए थे, जबकि उनकी मम्मी और पापा अपने पर्टिकुलर काम पे बिजी थे. ओके, इसी तरीके से वो और आगे बताते हैं कि पहले के समय में, इन अर्लियर डेज इन सिनेमा हॉल्स आफ्टर द मूवीज, ठीक है, मूवी खत्म होने के बाद नेशनल एंथम बजाया जाता था. बट उस समय होने क्या लगा था कि In the cinema halls at the end of the movie, the national anthem was played, but it was found that the people used to leave the halls midway laughing, shouting and creating rackets. उसी बीच में लोग क्या करते थे, मूवी ख़त्म होने के बाद वहाँ से उठ चले होते थे और निकलते हुए काफ़ी लॉफ करते थे, आवाज़ करते थे, नॉइज़ करते थे, राइट. तो इस तरीके से डिसीजन लिया गया कि नहीं, नेशनल एंथम को फिर वहाँ पर बंद कर दिया गया. फिर उसके बाद मूवी के लास्ट में नेशनल एंथम का बजाने का जो ट्रेंड था उसे ख़त्म कर दिया गया. वेल, तो इस तरीके से नाना जी ने अपने दोनों ही ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर को समझाने की कोशिश की कि पैट्रियटिज्म का मतलब ना केवल अपने देश के लिए जान देना होता है, बल्कि छोटे छोटे स्मॉल वेज से भी हम अपने देश के प्रति अपना पैट्रियटिज्म शो कर सकते हैं. वेल, बट अभी भी अजीत और नैना को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी भी उन्हें बात समझ में नहीं आई. तो इसी बीच में नाना जी बोलते हैं, डू वन थिंग, पैट्रियटिज्म के प्रॉपर मीनिंग बताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा. तो इस बात को सुनकर कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, नाना जी ने जैसे कहा तो अजीत जो है काफ़ी एक्सक्लैम्ड हो जाता है. उसे लगता है कि वाह, नाना जी अब कोई डायनासोर या फिर किसी ड्रैगन की कहानी सुनाएंगे, राइट. ओके, इस बात को लेकर अजीत काफ़ी खुश होते हैं और साउट भी करते हैं. फिर नाना जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें किसी ड्रैगन या डायनासोर्स की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें रियल स्टोरी सुनाऊंगा पैट्रियटिज्म से संबंधित, बट आज नहीं, संडे को. वेल, तो वो सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है. तो फिर क्या होता है, नाना जी अजीत और नैना को लेकर एक गांव निकलते हैं, ठीक है. वो सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद सबसे पहली ट्रेन पकड़ के वो हिमापेट विलेज की ओर निकल चलते हैं. हिमापेट विलेज पहुंचने में, जो कि लगभग 100 किलोमीटर दूर था, ठीक है, वहाँ से पिकनिक स्पॉट के रूप में उन्होंने बोला था कि चलो हम पिकनिक में चलेंगे, तो वो विलेज में लेकर जाते जो 100 किलोमीटर दूर था, ठीक है. लगभग उन्हें 2.5 आवर्स लग जाते हैं ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, ठीक. और जैसे ही ट्रेन एक डस्टी, ठीक है, एक स्टेशन में रुकती है, ठीक है, डस्टी रेलवे स्टेशन में रुकती है, छोटा सा रेलवे स्टेशन होता है, तो वहाँ पर एक धोती कुर्ता पहना हुआ और टर्बन लगाया हुआ एक व्यक्ति, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा व्यक्ति, वो आकर उन्हें ग्रीट करता है, ठीक. फिर उसके बाद वो लोग बुलक कार्ट के माध्यम से गांव की ओर चलते हैं. लगभग एक घंटे के सफ़र के बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं. और जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिक्स के हाउस बने हुए हैं, ठीक है. वहीं पर एक बड़ा सा ब्रिक हाउस रहता है, जहाँ पर से एक एल्डर मैन और वुमेन वहाँ पर से बाहर निकलती हैं और नाना जी को ग्रीट करती हैं और बच्चों को प्यार करती हैं, ठीक है. और जिस लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या रहता है, डायलेक्ट, मतलब बोली.
जिसकी वजह से नैना और अजीत को ये प्रॉपर समझ में नहीं आता, राइट, और इन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती समझने में। उन्हें लगभग लगभग एक घंटे अपने लंच वगैरह ब्रेकफास्ट करने में कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर नाना जी क्या करते हैं, अजीत और नैना को ले जाकर एक पीपल के ट्री के नीचे में बैठ जाते हैं और फिर एक कहानी सुनाते हैं कि लगभग 10 साल पहले एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था, ठीक है, और वो डॉक्टर की स्टडी कर रहा था। MBBS की डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसने स्कॉलरशिप जीती और वो US जाने का निर्णय लिया, राइट। उसके साथ लगभग 10 उसके और भी फ्रेंड्स थे, वो सभी USA पढ़ाई करने के लिए गए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गए। इस बात को लेकर आकाश के पिताजी काफ़ी खुश थे। USA की डिग्री पूरी होने के बाद आकाश ने इंडिया आने का निर्णय लिया। इस बात को लेकर उसके पिताजी ने उसके ऊपर थोड़ा सा अपसेट भी हुए, बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि आकाश के डिसीजन से उसके फादर थोड़ा सा अनहैप्पी हो गए, ठीक है। और वो ये चाहते थे उसके फादर कि वो अमेरिका में ही रहे, वहाँ सेटल रहे, खूब सारे पैसे कमाए और उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को भी अमेरिका में ही सेटल डाउन कर ले, राइट, क्योंकि आकाश के बाकी अन्य दोस्तों ने भी ऐसा ही किया था, तो इसी वजह से आकाश के फादर चाहते थे कि वो भी अमेरिका में ही सेटल डाउन रहे, राइट। पर आकाश इस बात से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हुआ और उसने अपने फादर को ये बताया कि माई कंट्री हैज़ स्पेंट थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एडुकेटिंग मी, मेरे देश ने हज़ारों रुपये खर्च किया है मुझे पढ़ाने के लिए, तो मेरा कुछ कर्ज है, ठीक है, मुझे इस कर्ज को रीपे करना है, ठीक। और वैसे भी इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे विलेज है जहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और वैसे भी अमेरिका एक अमीर देश है और वहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। इस वजह से वो आकाश क्या करता है, इंडिया आने का डिसीजन लेता है, राइट। तो फिर यहाँ पर आकाश, अजीत और नैना पूछते हैं कि क्या आकाश वापस इंडिया आए। हमारा जो पिछला वीडियो था वो यहीं तक का था डियर, है ना, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये बात जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या आकाश वास्तव में USA से पढ़ाई करके वापस इंडिया में आ गए या नहीं आए, और अगर आए तो उनके साथ कौन सी घटना हुई जो कि पैट्रियटिज्म से संबंधित है, जो कि नाना जी अजीत और नैना को बताना चाहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। यस चाइल्ड, ही डिड, हाँ आकाश वापस आए। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. A year later, an epidemic broke out in the nearby village. When Akash learned about that, he just packed his bag and left. He didn't even inform his parents. Yes, Akash USA से वापस इंडिया आ गए और शुरू में उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब किया शहर के। फिर एक साल बाद पास के ही गांव में एक एपिडेमिक हुआ। एपिडेमिक मतलब महामारी, ठीक है, जिस तरीके से अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, वेल ये भी एक एपिडेमिक हो गया है, महामारी हो गई, इसी तरीके से उस समय भी एक पास के विलेज में एपिडेमिक हुआ था, महामारी हुई थी। और जैसे ही आकाश को इसका पता चला, उसने अपना बैग पैक किया और अपने पेरेंट्स को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वाई आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा क्यों दादा, नाना जी आकाश ने अपने पिताजी को क्यों नहीं बताया। तब ये बोलते हैं बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम। सिली, अरे पागल, अगर वो अपने पेरेंट्स को बताता तो उस आकाश के पेरेंट्स आकाश को उस विलेज में जहाँ पर एपिडेमिक फैला हुआ है वहाँ जाने से रोक देते। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई, नैना सेड। नैना ने कहा कि नाना जी मैंने सुना है कि जिस समय एपिडेमिक होता है तो उस समय जो डॉक्टर्स जनरली जो ट्रीट करते हैं मरीजों को उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी खत्म हो जाते हैं ट्रीट करते हुए। तो नाना जी क्या बोलते हैं, यस नैना, यस नैना इज राइट। एनीवे अ वीक लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम, बट आकाश डिड नॉट मैंसन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक।
2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in city hospital in a serious condition. Okay, well, so what happened here? यहाँ पर नाना जी ने कहा कि हाँ नैना तुम सही हो, उस समय डॉक्टर जो इलाज करते थे पैंडेमिक के टाइम पे, एपिडेमिक के टाइम पे, वो भी ख़त्म हो जाते थे। कुछ एक सप्ताह बाद जब आकाश अपना बैग पैक करके उस विलेज चले गए, उसके एक सप्ताह बाद आकाश के फादर को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आकाश अभी पेशेंट्स को ट्रीट करने में बहुत बिजी है और वहाँ भी सिचुएशन वहाँ की बहुत ही दयनीय है। पर आकाश ने नहीं बताया, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, ठीक है, वो कहाँ पर वर्क कर रहे थे, ये बात उन्होंने नहीं बताई, इस बात से डरते हुए कि अगर फादर को पता चलेगा तो वो उन्हें वापस वहाँ से बुलवा लेंगे और वापस अपने घर ले जाएंगे। ठीक 2 सप्ताह के बाद, 2 weeks later, मीन्स 2 सप्ताह के बाद उनके फादर को एक फ़ोन कॉल आया इस बात की इन्फॉर्मेशन के साथ कि आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। राइट, वेल हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, ही कुड बैरली स्पीक। जब पेरेंट्स को पता चला तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर गए, उन्होंने देखा कि आकाश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी और वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अ सन, हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग। उस समय जो आकाश की मम्मी थी वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी, ओके, और उनके फादर ने उनसे पूछा कि बेटा तुम अपने आप को और हमें क्यों परेशान कर रहे हो। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफर, मैं उनकी मदद नहीं कर सका पापा, मैं उनके बीमारी को, मैं उनकी तकलीफ को नहीं सह सका। योर फ्रेंड्स आर इन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका, तुम्हारे दोस्त अमेरिका में इंजॉय कर रहे हैं, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन अ कम्फर्ट, एंड लुक एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गेटिंग बाय डूइंग दिस ऑल, इफ यू डन डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, जस्ट सी हर कंडीशन, सी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। तब उसके फादर ने, आकाश के फादर ने कहा, देखो तो अपने दोस्तों को देखो, अमेरिका में कितने अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, इतनी कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पर जी रहे हैं, और तू अपने आप को देखो, अपनी ज़िंदगी से तुम लड़ रहे हो। मैं नहीं समझ सकता कि आखिर तुम चाहते क्या हो इन सब चीज़ों को करके। अगर तुम अपनी केयर नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी इस बीमार माँ की ओर देखो, इनकी कंडीशन देखो, ये आधी पागल हो चुकी है तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए। ऐसा किसने कहा? आकाश के फादर ने आकाश से कहा, फादर आई डोंट थिंक आई एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। पापा मुझे नहीं पता कि मैं आपको कभी भी अपने इस काम के प्रति आपको कभी कन्विंस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे इस बात का पता नहीं है। ऑल आई कैन से, बट मैं इतना कह सकता हूँ, इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। मगर इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मैं इस बात का सेटिस्फैक्शन है मेरे दिमाग में, दिलों में, कि मैंने बहुत सारे लोगों को की लोगों की जिंदगियाँ बचाई हैं। फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मुझे माफ़ कर देना यदि अगर मैंने आपको, आपका दिल दुखाया है तो, मैंने अगर आपको परेशान किया है तो, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, पर मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि मैं हेल्प नहीं कर सका। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग, मैं अपने चारों ओर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, ठीक है, मैं लोगों को मरते हुए देखूं और उनके लिए कुछ ना करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वेल आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन हिज फादर्स आर्म, एक महीने तक अपनी उस बीमारी से लड़ते हुए आकाश ने अपने मदर के आर्म्स में अपना दम तोड़ दिया।
The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. पूरे गांव के सभी लोगों ने आकाश के क्रिमेशन में, उनके अंतिम संस्कार में, क्रिमेशन मीन्स अंतिम संस्कार, ठीक है, उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, और उस गांव में कोई ऐसी आंख नहीं थी जो सूखी रही हो. सभी को काफ़ी दुख था और सभी रो रहे थे. द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश. तो आकाश, तो सारे विलेजर्स ने डिसाइड किया आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए. पे होमेज मीन्स, ध्यान रखेंगे, पे होमेज मीन्स श्रद्धांजलि देना. दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन विलेज. और उन्होंने एक अभियान चलाया कि हम अपने विलेज में एक हॉस्पिटल खोलेंगे, राइट. दे अप्रोच्ड द लोकल MLA हु एग्रीड. उन्होंने लोकल MLA से भी मुलाकात की, ओके, और वो MLA भी एग्री हो गए. टू ऑर्गनाइज अ हैफ्टी डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम. और एक प्रॉपर डोनेशन होने के बाद सभी ने सोचा कि इसका नाम आकाश के नाम पर रखा जाएगा. हाउ एवर द विलेजर्स वर एडमेंट. किसी तरीके से विलेजर्स इन सभी चीज़ों के लिए मान गए, ओके, और उन्होंने प्रयास किया. दे टूक द मनी, वो पैसे इकट्ठे किए. बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी. और सारे विलेजर्स ने हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, और आकाश के पेरेंट्स को ओपनिंग सेरेमनी में इन्विटेशन दिए, बुलाए. आकाश फादर इनोग्रेटेड द हॉस्पिटल. आकाश के फादर ने उस हॉस्पिटल को इनोग्रेट किया. कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नाना जी सैड, एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज He led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. और नाना जी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. और ऐसा कहते हुए नाना जी ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उन्हें पीपल ट्री के पीछे एक बिल्डिंग पर लेकर गए जो कि कुछ ही दूरी पर था, ठीक है, फ्यू हंड्रेड मीटर्स की दूरी पर ही था. दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड. वो जाकर सामने एक ब्लू बोर्ड के सामने रुक गए. नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन. नैना आप पढ़ो इसे कि इसमें क्या लिखा है. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, उस ब्लू कलर के बोर्ड में क्या लिखा हुआ था. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ. जिन्होंने इस गांव को मौत से बचाया. नैना लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, हिज आई वर वेट विद टीयर्स. नैना अपने ग्रैंडफादर की ओर देखने लगी और जैसे उन्होंने देखा तो नाना जी की आंखें क्या थी, भरी हुई थी आंसुओं से, राइट. नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय. Was he your well? नाना जी, आकाश राय, इनका नाम आकाश राय और आपका सरनेम भी राय है, तो इसका मतलब ये आपके, ऐसा करके नैना रुक गई. Yes, my child, he was my son. हाँ मेरे बच्चे, वो मेरा लड़का था. Your mother's elder brother, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई, okay? As a professor of philosophy, I always taught, I knew everything, but about everything. As a professor के रूप में, philosophy में, मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा कि मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ के बारे में जानता हूँ. But my son taught me, पर मेरे बेटे ने मुझे पढ़ाया या समझाया कि द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म. पर उन्होंने, मेरे बेटे ने मुझे समझाया कि सर्विस का वास्तविक अर्थ क्या होता है और पैट्रियटिज्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है, राइट. तो इस तरीके से हमने इस लेसन में क्या देखा माय डियर स्टूडेंट, कि आकाश राय जो कि नाना जी के लड़के थे, ठीक है, और अजीत और नैना वो कौन थे, आकाश के बांजे भांजी, ठीक है. डॉक्टर आकाश नैना और अजीत के मामा जी थे, राइट. तो इस तरीके से आकाश ने बिना जेल गए
या बिना अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किए कंट्री में बॉर्डर में लड़ते हुए उन्होंने देश सेवा की, गांव के लोगों को बचाया और डॉक्टरी प्रोफेशन में रहते हुए लग्जीरियस लाइफ अमेरिका में जी सकने के बावजूद उन्होंने भारत में रहने का निर्णय लिया, लोगों की सर्विस करने का निर्णय लिया और एपिडेमिक के टाइम में अपने प्राण को लगा दिया, अपनी पूरी सर्विस उन्होंने लगा दी और अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया लोगों को बचाने में. सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो द पैट्रियटिज्म. डिड यू अंडरस्टैंड? सो रामेंद्र कुमार जो ऑर्थर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया. ऐसा ही हम भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट. पैट्रियटिज्म का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं है कि हम बॉर्डर में लड़ते हुए अपने देश के लिए शहीद हों या बहुत बड़ा बलिदान करें. नहीं, यदि अगर हम चाहें तो हम अपने देश के जितने भी संपत्ति है हम उनकी रक्षा करके, लोगों की सेवा करके, अपने नेशन के प्रति अच्छा सोच के, अपने नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करके, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करके, अपने लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, इन सब का सम्मान करके भी हम पैट्रियटिज्म अपने देश के प्रति शो कर सकते हैं. और इस लेसन से मॉरल वैल्यू के रूप में यही हमको मैसेज मिलता है कि हमें भी अपने देश के प्रति आकाश की तरह ही पैट्रियटिक बनना चाहिए. राइट, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे जिसको मैंने लेसन के शुरू में ही आपको बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में. अब अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर आप एक काम करेंगे, इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपके सीनियर की कॉपी में ऑलरेडी बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा दिया गया है. आप उनसे काम करिए, अपने सीनियर्स से 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट कॉपी आप उनसे कलेक्ट कर लीजिए और इनके सारे के क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए. ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर आप किसी रिसोर्स से याद नहीं करेंगे, किसी गाइड से आपको याद नहीं करना है. ये क्वेश्चन आंसर आप चाहें तो अपने से बनाने की भी कोशिश करिए. राइट, वैसे भी आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, और यदि नहीं तो अगर आप चाहें तो अपने सीनियर से कॉपी लेकर इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिए. ठीक है, और जब आप स्कूल आएंगे तो इनसे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे बिल्कुल ध्यान से पूछूंगा. क्लियर हुआ? वेल, और इसी चैप्टर के जो ग्रामेटिकल फैक्ट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, ध्यान से पढ़ते रहें, अच्छे से स्टडी करें. ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पेरेंट्स की बात माने. ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू.